Hello friends, welcome again. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप की एक सीरीज जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप। आप लोग सोचेंगे फिर ये हमारे किस काम का, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरी सीरीज में आपको सिर्फ बेसिक सीखने मिलेगा, लेकिन फोटोशॉप की इस सीरीज में, इस आज के इस ट्यूटोरियल में आपको सीखने मिलेगा वो टूल्स जो आप या तो बहुत टाइम पहले यूज़ कर चुके हैं, या तो आप उन्हें भूल चुके हैं, या नहीं तो आपको उनके सही या मल्टीपल यूजेस नहीं पता है। और इसके अलावा ये आज का ट्यूटोरियल उन लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो लोग फोटोशॉप सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका मन है फोटोशॉप सीखने का और फोटोशॉप सीखकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं दुनिया में, अपना नाम कमाना चाहते हैं। सो आज हम फोटोशॉप में यही कुछ करने वाले हैं जिससे एक वो पर्सन भी फोटोशॉप को सीख सके जिसको फोटोशॉप के बारे में ABCD नहीं मालूम है। चलिए इसको देखें, समझें ये कैसे होता है। सो फोटोशॉप को आप इस तरह से समझो, ये इन चार पैनल्स में डिवाइडेड है। पहला मेन्यू पैनल, टूल पैनल, एडवांस पैनल्स लाइक लेयर्स, और ये ब्लैंक एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग मेन एरिया। यहां पर ही आपका कैनवास ओपन होता है या कोई भी इमेज ओपन होती है। कैसे होती है करके देखते हैं। शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ओ या फिर माउस डबल क्लिक। नाउ हम देख सकते हैं क्या यहां पर हमारे पास आ गई हैं दो इमेजेस, इन दोनों को आप ओपन कर लो। हमारे पास यहां पर ये दो इमेजेस ओपन हो गई हैं, जिनमें से एक है RGB इमेज RGB और एक है इंडेक्स इमेज। अभी RGB और इंडेक्स क्या है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। फोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है, दैट मींस ये पिक्सल्स पर काम करता है। अगर मैं यहाँ से जूम टूल लूँ और उसको जूम करूँ तो ये देखो एक टाइम के बाद इसमें पिक्सल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो किसी भी रास्टर सॉफ्टवेयर्स में ओपन होने वाले डिफरेंट डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करते हो। एग्जाम्पल के लिए फोटोशॉप में अगर आप प्रेस करो कंट्रोल एन या न्यू कैनवस की शॉर्टकट कमांड, तो यहाँ आप देखोगे कलर मोड। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK, लैब कलर्स, ठीक है। तो ये जो कलर मोड्स हैं, इन कलर मोड्स की कंपैटिबिलिटी के लिए हमारे पास अलग अलग इमेज टाइप्स होती हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर RGB में काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कलर मोड RGB लेकर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इमेज में बहुत सारे कलर्स आप देख रहे हो, तो हाई क्वालिटी इमेजेस देखने के लिए आपको RGB फॉर्मेट की इमेज चाहिए होती है, जबकि यहाँ आपके पास एक बहुत ही लो क्वालिटी और लो कलर प्रोफाइल इमेज है, तो ये इंडेक्स इमेज में भी फॉर्मेट में भी काम कर सकती है। तो ये आप अगर इसमें फर्दर काम करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो फोटोशॉप के लिए इसे RGB में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे समझो, आप जाओ इमेज मोड इंडेक्स से RGB में। RGB में ही क्यों, क्योंकि हम लोग जितना भी काम फोटोशॉप पे करते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल वर्ल्ड के लिए यूज में आता है, और डिजिटल वर्ल्ड में रेड ग्रीन ब्लू ये तीन कलर से ही मिक्स करके सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया फोटोशॉप बेसिक किस तरह से, बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो हम इस लेयर की बात
इमेज की बात करेंगे सॉरी, और देखेंगे कि हम फोटोशॉप के सिंपल टूल्स की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानो मुझे इस एप्पल के सभी पोर्शंस को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर वैसे तो सिलेक्शन के लिए मानो मैं ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ एप्पल का पोर्शन, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इनके हर एक के अलग अलग यूजेस हैं। हम जो आज यूज करने वाले हैं वो है मैजिक वैंड टूल या क्विक सिलेक्शन टूल। मैजिक वैंड टूल को कैसे यूज करना है या किसी भी सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करना है, उसके लिए आप आओ यहां इस एरिया में। ये है न्यू सिलेक्शन, एड सिलेक्शन, सबस्ट्रैक्ट सिलेक्शन या इंटरसेक्ट सिलेक्शन। तो हम लोग या तो न्यू सिलेक्शन या तो एड सिलेक्शन पर ही ज्यादातर काम करते हैं, जरूरत पड़ती है तो बाकी भी यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यू सिलेक्शन यूज करेंगे और किसी भी एक कलर को क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ उतने ही कलर को चूज करेगा। मैं चाहता हूं कि एक कलर और भी ऐड हो, तो मैं ऐड सिलेक्शन ऑप्शन ऑन कर देता हूं। तो ये देखो व्हाइट के साथ रेड भी सिलेक्शन में आ चुका है। मैं चाहता हूं ग्रीन भी सिलेक्ट हो, तो ये देखो ग्रीन भी सिलेक्ट हो चुका है। मैं चाहता हूं ये ब्राउन भी सिलेक्ट हो या ये वाला व्हाइट भी सिलेक्ट हो, तो इस तरह से सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है एक्सेप्ट दिस मिडिल पोर्शन, और अब ये भी हो गया सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि पूरा सिलेक्शन हट जाए, तो मेरे पास शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब मैं इन पोर्शन को सेपरेट करना शुरू करता हूं, जैसे सबसे पहले लीफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। इसके बाद ये देखिए जैसे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी किया एक सेपरेट लेयर बन गई। मैं वापस बैकग्राउंड में गया, मैंने डी सेलेक्ट किया कंट्रोल डी, मैंने एप्पल का पोर्शन सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स कंट्रोल डी। इसके बाद मैंने ये दोनों लेयर्स को ऑफ कर दिया और फिर चूज किया इसका स्टैम्प पार्ट, सही लेयर चूज करके काम करेंगे, क्लिक कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब हम बैकग्राउंड को छोड़ देंगे, तो वी हैव थ्री सेपरेट लेयर्स ऑन सेपरेट सेपरेट पोजीशन। तो लेयर टू एप्पल की बॉडी को नीचे रखेंगे, सबसे नीचे, इसके ऊपर हम रखेंगे स्टैम्प पोर्शन और उसके ऊपर लीफ। अब हम जाएंगे इस मूव टूल ऑप्शन में, लीफ को सेलेक्ट पकड़ेंगे, यहां पर कहीं प्लेस करेंगे, इसके नीचे स्टैम है उसको ले जाकर भी यहां पर कहीं रख देंगे। अब मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर कुछ एरिया मिसिंग है। सबसे पहले शिफ्ट के साथ ये तीनों लेयर सेलेक्ट करिए, नीचे कहीं तक प्लेस करिए, और मैं चाहता हूं ये पोर्शन इसमें से ब्लैंक एरिया नहीं दिखे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा ये लेयर थ्री, एक शॉर्टकट कमांड है इसको स्केल करने के लिए कंट्रोल टी, एंड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंड ऑल्ट, दैट मींस ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और इसके बाद ये कॉर्नर से माउस से सेलेक्ट करके इन पॉइंट्स को आप मूव करिए, तो स्टैम्प का साइज बड़ा हो जाएगा। एंटर करिए, कमांड पूरी हो गई। इस तरह से आप इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड में जाकर इस एरिया को वापस कलर से फिल कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास यहाँ पर एक कमांड है आई ड्रॉपर, इसको क्लिक करिए, पहुंचिए यहाँ, कलर चूज करिए, प्रेस करिए बी फॉर ब्रश, या फिर आप सीधे यहां भी आ सकते हैं और आकर लेयर टू पर आप यहां पर एक कलर कर सकते हैं जिससे
ये फेल हो जाएगा। देखो अब मैं चाहता हूं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक नई लेयर लूंगा और इसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर जैसे कि ब्लैक कलर अप्लाई कर दूंगा। कैसे होगा, हमने फोरग्राउंड में यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है, इस तरह से आप क्लिक करके कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ये करो और शॉर्टकट कमांड ऑल्ट बैकस्पेस से आप यहाँ पर इसे कलर फिल कर सकते हो। ये है फोरग्राउंड कलर विच इज ब्लैक। नाउ आई वॉन्ट टू फिल ये कलर व्हाइट विच इज इन टू बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, तो बैकग्राउंड कलर को फिल करना है तो कंट्रोल बैकस्पेस, फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो ऑल्ट बैकस्पेस, बैकग्राउंड फिल, फोरग्राउंड फिल। अब मैं इस बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर सकता हूं। सो आपने देखा कैसे हमने लेयर्स को सेपरेट करके एप्पल को वापस रेडी कर दिया। एक बहुत ही बेसिक सा यूज है फोटोशॉप का, इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर द डे, टेक केयर।